Bejara. बहुत अफसोस हुआ आपकी बात सुन के भाभी। निदा, तुम क्यों बिला वजह नूर की बातों को सर पे सवार कर रही? हारिस, उसको सोचना चाहिए कि मेरा उसके साथ रिश्ता क्या है। लेकिन ऐसा भी क्या हो गया था हारिस, कितनी छोटी सी बात पे इंसान छोटे बड़े की तमीज ही करना भूल जाए। देखिए, मैं उसे जो कुछ समझा रही थी पूरे दिल से और सच्चाई के साथ समझा रही थी, और उसने मुझे जवाब क्या दिया वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ ना। मेरी बात सुनो, अगर उसमें इतनी अक्कल होती ना तो वो कभी भी मुर्तजा को तहनियत के दामन में ना डालती। इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद खुद को मुतमईन और खुश दिखाना ये कम अकली नीयत और क्या है? अच्छा ना, तुम खामखा दिल ना छोटा करो, कुछ नहीं होता। देखिए हारिस, मुझे इस घर की, आपकी और हफ्सा पप्पू की खुशियों का बहुत ख्याल है, मगर जो नूरुलैन कर रही है वो कोई मामूली बात तो नहीं है। आप और बाबा उसे समझाएं इससे पहले कि देर हो जाए। बहुत अफसोस हुआ आपकी बात सुन के भाभी, लेकिन देखिए जो कुछ भी मैंने आपसे कहा था उस सबकी तस्दीक हो चुकी है। ना ही मैं अहमक हूं, ना ही अनपढ़, ना ही कम अकल, और ना ही किसी टिपिकल खवातीन की तरह मेरी लगाई बुझाई की आदत है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे अपना टाइम किस तरह से यूटिलाइज करना और कहाँ करना है। मुझे अपने रास्ते भी पता है और अपनी मंजिल भी। और हाँ, जहां तक मेरी बात है तो मुझे रिश्तों का भी एहतराम है और आपकी उम्र का भी। मेरी तरफ से खुद को बदगुमान करने का कोई फायदा नहीं है। जब मैं आपकी उम्र तक पहुंचूंगी ना, उस वक्त आप देखिएगा मैं एक बहुत मुकम्मल और मुतमईन खातून होंगी इंशाल्लाह। कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि दूसरों की टोह में लगूं या उनकी गीबत करूं। देख लिया ना आपने, देख लिया आपने अपनी आंखों से कितनी बातें सुनाकर गई है मुझे। देख भी लिया और सुन भी लिया, लेकिन बात शायद तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। इतना बड़ा नुकसान होने के नतायज जब सामने आते हैं ना तो रिएक्शन ऐसा ही होता है। अब चलते हुए दबे हुए पानी पड़ेगा तो धुआं तो उठेगा ना। खैर, सब्र करो।